I'm Gagan here. Welcome back to my YouTube channel again. So, Raji, जिद्दां कि आपां लास्ट वीडियो दे विच देखिया कि आपां कंपलैक्सन टेंसेस किद्दां बना सकदे आं, उदां ही राजे अज आपां देखांगे कि राइटिंग टास्क वन दे विच मल्टीपल ग्राफ्स नूं किद्दां लिखिया जा सकदा। गॉट इट? सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। ओके राजे, ये अपने कोल दो मल्टीपल ग्राफ्स ने, किहड़े-किहड़े राजे? जिद्दां कि अपने कोल फर्स्ट पाई चार्ट है एंड सैकेंड अपने कोल की है टेबल चार्ट है। सो लेट सी द स्टेटमेंट। अगर अजय द स्टेटमेंट की है, द पाई चार्ट शोज द मेन रीजनस वाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लैस प्रोडक्टिव। पाई चार्ट शो करता है, मेन रीजन शो करता है कहदे राजे कि एग्रीकल्चर लैंड आ वो लैस प्रोडक्टिव क्यों आ। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होंगे कि लैंड क्यों खराब आ। ठीक है, ओके राजे, अपने को फर्स्ट के दैट्स ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मीनस पशुओं द्वारा ज़्यादा चरना। ठीक है, नैक्सट ओवर कल्टीवेशन, डिफोरेस्ट्रेशन एंड अदरस, ये सारे थोड़ा पता ही होंगे। ठीक है, सो द नैक्सट राजे टेबल अपने को शो करता है हाउ दीज कॉजेस अफेक्टेड थ्री रीजनस ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s। कि थ्री रीजन ने, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशेनिया। ठीक है, ये सारे वो रीजनस ने जिहड़े कि 1990s अफेक्टड होए आ। ठीक है, कहदे करके राजे? इन्हां सारे कारण करके। ठीक है, दैट्स डिफोरेस्ट्रेशन, ओवर कल्टीवेशन एंड ओवर ग्रेजिंग करके। ठीक है, एंड इन्हां दा की राजे? टोटल। गॉट इट? सो नैक्सट आपां राजे पैराग्राफ्स विच देखांगे आपां इहनूं किद्दां लिखणा। गॉट इट? ओके राजे, हम आप फस्ट पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन का होंगे आप किमें लिख सकते हैं। जिदा कि राजे को अपने क्वेश्चन की है, द पाई चार्ट शोज द मेन रीजनस वाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लैस प्रोडक्टिव एंड टेबल शोज हाउ दीज कॉजेस अफेक्टड थ्री रीजनस ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 1990s। गॉट इट? हम देखो राजे अपन कि लिख सकते हैं, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। हम देखो राजे इतने उन्होंने की लिखा शोज एंड इतने आप लिखता राजे इलस्ट्रेट्स। ठीक है, द प्राइमरी कॉजेस ऑफ लैंड डिटेरियरेशन अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, प्राइमरी कॉजेस मेन रीजनस, दैट्स प्राइमरी कॉजेस। ठीक है जी, नैक्सट लैंड डिटेरियरेशन मीनस के लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, इन्हों आप इतने करता राजे पैराफ्रेज करता। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब मीनस के वर्ल्ड वाइड। गॉट इट? नेक्स्ट कह रहा जी, वाइल द टेबल आउटलाइंस हाउ थ्री डिफरेंट रीजनस वर अफेक्टेड बाय दीज डैमेजिंग फैक्टर्स इन 1990s। ठीक है, हम अपने को जो टेबल आ वो की दस रहा, डिफरेंट रीजनस दस रहा राजे। ठीक है, वो कह रहा जी अफेक्टेड है कहदे करके राजे? थ्री डैमेजिंग फैक्टर्स करके। ठीक है, हम वो फैक्टर्स केड़े ने? डिफोरेस्ट्रेशन, ओवर कल्टीवेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। तुम इन्होंने सिंपल लिख सकते हो बाय दीज डैमेजिंग फैक्टर्स, केड़े ईयर से राजे? 1990s। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी ओवरऑल। ठीक है, हम आप राजे ओवरऑल कि लिख सकते हैं, ओवरऑल इट कैन बी क्लीयरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट देर आर थ्री प्राइमरी कॉजेस ऑफ फार्मलैंड डिग्रेडेशन। हम कि राजे? थ्री ज़्यादातर, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर कल्टीवेशन है एंड डिफोरेस्ट्रेशन है। ठीक है, ये ज़्यादा ने जिदे करके कि लैंड घट प्रोडक्टिव है। ठीक है, एंड ओवर ग्रेजिंग इज़ द मेजर वन। हम देखा जाए तो राजे देखो 35 कहदे च है? ओवर ग्रेजिंग है, जदों की ओवर कल्टीवेशन किन्ना 28% एंड डिफोरेस्ट्रेशन किन्ना 30%। तो फिर सब तो ज़्यादा राजे मेजर कि ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, सो नैक्सट देखो राजे, द टेबल शोज दैट यूरोप हैड अ फार हायर परसेंटेज ऑफ अनप्रोडक्टिव लैंड। ठीक है, हम देखो राजे यूरोप की, ठीक है, किन्नी है राजे? 23% दे नाल कि जिहड़ी लैंड डिग्रेडेड होया। ठीक है, कंपेयर टू द अदर टू रीजनस इन द इन दिस टाइम पीरियड। ठीक है, हम देखो इस टाइम पीरियड दे विच बाकियां नालों इहदी सब तो ज़्यादा लैंड डिग्रेड होया यूरोप का। ठीक है, सो इहदे विच की करना राजे? तुसीं एक सेंटेंस तुसीं फस्ट ग्राफ का लिख देना एंड एक सेंटेंस तुसीं सैकेंड ग्राफ का लिख देना। ठीक है, जो भी उन्होंने मेजर हाईलाइट्स ने, ठीक है, तुसीं ओह वन वन सेंटेंसिस तो आंदे इत्थे लिख देने। गॉट इट? लैट्स मूव टू द पैराग्राफ्स। ठीक है, जिद्दां कि राजे हुण अपने कोल थर्ड पैराग्राफ आ, जिसके विच कि राजे पहलां आपां सिर्फ पाई चार्ट बारे लिखांगे एंड नैक्सट पैराग्राफ दे विच आपां टेबल चार्ट बारे लिखांगे। ठीक है, इदां ही राजे मल्टीपल ग्राफ दे विच एक पैराग्राफ दे विच एक चार्ट नूं डिस्क्राइब कर दो एंड दूसरे पैराग्राफ दे विच दूसरे चार्ट नूं डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, जिद्दां कि राजे पाई चार्ट नूं आपां किद्दां लिख सकते हैं, द पाई चार्ट रिप्रजेंट्स फोर कॉजेस विद ओवर ग्रेजिंग रिप्रजेंटिंग द बिगेस्ट प्रपोर्शन एट जस्ट ओवर अ थर्ड। हम अपने को राजे की ने फोर कॉजेस ने सारे,
ठीक है, बट ये जी अपने को ओवर ग्रेजिंग है ठीक है वो सब तो ज़्यादा वो किन्नी राजे दैट्स 35% ठीक है ओवर अ थर्ड। हुण राजे अ थर्ड किन्ना हुंदा अपने को दैट्स 33%। सो ये अपने को 35% मीनस ओवर अ थर्ड। ठीक है नैक्सट की है राजे वाइड स्प्रैड क्लीयरिंग ऑफ ट्रीज एंड द ओवर यूज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है हम देखो राजे वाइड स्प्रैड क्लीयरिंग ऑफ ट्रीज की है दैट्स डिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है एंड नैक्सट ओवर यूज ऑफ क्रॉप्स एक ही राजे दैट्स ओवर कल्टीवेशन। ठीक है कॉन्स्टिट्यूट नियरली वन थर्ड। ठीक है वन थर्ड कि राजे दैट्स डिफॉरेस्ट्रेशन एंड जस्ट ओवर अ क्वार्टर रिस्पैक्टिवली। ठीक है एंड जस्ट ओवर अ क्वार्टर मीनस 28% आ क्वार्टर कि राजे अपने को दैट्स 25%। सो ओवर अ क्वार्टर कि होगा राजे दैट्स 28%। एक गल ध्यान रखियो राजे जो तुसी रिस्पैक्टिव वाले सेंटेंसिस बनाने होंगे हो तो जेडे का तुसी पहला नाम लिया लाइक इधर देखो ना जो वर्ड स्प्रैड क्लीयरिंग ऑफ ट्रीज ये पहले तो सी दूसरे तुसी की लिखा दैट्स ओवर यूज ऑफ क्रॉप्स। सो जो तुसी इन्हां दी प्रपोर्शन दसोगे तो वो भी उदा ही दसोंगे सेम जिदा कि पहला वाइड स्प्रैड वाली है तो सब तो पहले तुसी कादी दसोगे राजे डिफॉरेस्ट्रेशन दी। ठीक है वन थर्ड सैकेंड से तुसी कीड़ी यूज़ की है दैट्स ओवर यूज ऑफ क्रॉप्स इतने सैकेंड से कि अपने को ओवर अ क्वार्टर। गॉट इट। सो नैक्सट राजे हाउ एवर अदरस कॉजिज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन वर ओनली 7%। सो जी अपने को अदरस का एक किन्नी राजे ओनली 7%। गॉट इट। ओके राजे लैट्स मूव टू द नैक्सट पैराग्राफ जिस दे विच कि राजे सिर्फ आप टेबल बारे गल करांगे। हुण अपने को राजे टेबल की दस रहा। ठीक है जिते लैंड डिग्रेडेशन होया बाय रीजन। ठीक है थ्री रीजनस ने राजे किड़े आ दैट्स नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड ओशेनिया। ठीक है ये रीजनस दे विच की आ लैंड अफेक्टेड होया इन्हां थ्री रीजनस करके डिफॉरेस्ट्रेशन करके ओवर कल्टीवेशन करके एंड ओवर ग्रेजिंग करके। ठीक है एंड ये टोटल लैंड डिग्रेडेड आ किन्ना किन्ना होया देखा जाए राजे यूरोप दे विच सब तो वध होया दैट्स 23%। उस दे बाद किस तरह जी दैट्स ओशेनिया का दैट्स 13% एंड सब तो घट राजे कहदे च होया दैट्स नॉर्थ अमेरिका दे विच। सो सब तो पहला आप हाईलाइट लिखांगे किहड़ा राजे दैट्स यूरोप। ठीक है अकॉर्डिंग टू द टेबल 23% ऑफ यूरोप्स एग्रीकल्चर लैंड वॉज अफेक्टेड बाय दीज डैमेजिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है कि एग्रीकल्चर लैंड है ठीक है यूरोप का कि राजे डैमेज होया कि डिग्रेड होया 23%। दिस वॉज ऑलमोस्ट डबल द परसेंटेज ऑफ ओशेनिया कॉमा द नैक्सट मोस्ट अफेक्टेड रीजन। ठीक है जेड़ा कि ओशेनिया का डबल आ। ठीक है ओशेनिया कि राजे लैंड डिग्रेडेड होया 13% ओनली। ठीक है यूरोप के उधर डबल आ। ठीक है 23% है। ठीक है ऑलमोस्ट डबल। ओके द लास्ट वन कह रहा जी नॉर्थ अमेरिका एक्सपीरियंस्ड बाय फार द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी लॉस विद अ फिगर ऑफ 5% ऑफ इट्स टोटल एग्रीकल्चर लैंड। सो सब तो घट लैंड डिग्रेडेड कहदे हो रहा जी दैट्स नॉर्थ अमेरिका दे विच किन्ना जस्ट 5%। आई होप स्टूडेंट्स कि थोड़ी वीडियो बहुत चंगी तरह समझ लगी होगी कि किदा आप राइटिंग टास्क वन के मल्टीपल ग्राफ्स में लिख सकते हैं। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन कंटैक्ट मी ऑन माई नंबर एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट एंड थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।